नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, नवग्रह जनित उपाय हों, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित किए गए एपिसोडों के कमेंट बॉक्स जाकर आप देख सकते हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि लोगों ने उपायों को आजमाया है और उनका प्रतिफल प्राप्त किया है और अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है कि कितने आसान सरल यह ज्योतिष के उपाय है, सिद्ध यह उपाय है, फलदायी यह उपाय है। तो आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी जन्म कुंडली से संबंधित है। जन्म कुंडली के एक ऐसे सूत्र को हम बताएंगे आज आप लोगों को, जिसके माध्यम से आसानी से आप पता लगा सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर कि आपका पीड़ादायक ग्रह कौन सा है। हमारे प्राचीन आचार्यों जिनके ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं उनमें जगह जगह पर हमें बड़े अच्छे अच्छे सूत्र देखने में आते हैं कि जो बताते हैं कि कई ऐसे सूत्र होते हैं कि जो बिल्कुल चरित्रार्थ होते हैं, प्रत्यक्ष फल देने वाले होते हैं। ऐसा ही एक सूत्र आज हम आप लोगों को बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जन्म कुंडली में आपकी जो राशि होती है, राशि से चौथा, आठवां और बारहवां जो ग्रह होता है वह पीड़ादायक माना जाता है। जैसे समझाने के लिए उदाहरण तरह हम देखते हैं, मान के चलिए कि किसी की वृषभ राशि है, दो में चंद्रमा है। अब यहां से एक दो तीन चार, इस यहां पर दो दो तीन चार पांच, पांच का अंक होगा। यहां पर को चौथे स्थान पर यदि कोई ग्रह बैठा है तो प्रथम दृष्टया 100% 100% वह पीड़ादायक माना जाएगा। चौथा, आठवां, चार पांच छह सात आठ, यानी कि पांच छह सात आठ नौ, यानी कि अपने जहां पर को राशि चंद्रमा बैठा है, जहां पर को चंद्रमा बैठता है वहां पर को राशि मानी जाती है। जैसे पांच के अंक में चंद्रमा होगा तो सिंह राशि मानी जाएगी। तो वहां से आगे को गणना करनी है तो अपनी जन्म पत्रिका में हमें चंद्रमा देख लेना है कि वह कहां पर बैठे हैं। वहां से गिनती करनी है चार, आठ और बारह। जैसे यहां से हमने चंद्रमा दो के अंक में बैठे हैं तो यहां से हमने चौथा स्थान देखा, दो तीन चार पांच, चौथा स्थान यह है और आठवां स्थान यह है, यानी कि धनु राशि। अब इसके बाद बारहवां स्थान सीधे सीधे यहां पर को ये हो जाएगा, आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी कि अपने जन्म कुंडली में जहां पर को चंद्रमा बैठा होता है उसे राशि मानी जाती है, वहां से चौथे, आठवें, बारहवें स्थान पर यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह पीड़ादायक माना जाता है। तो यह स्वयं देख लेना है, चंद्रमा से गिनती करनी है, एक दो तीन चार यदि कोई ग्रह है तो पीड़ादायक होगा, पांच छह सात आठ, आठवें नंबर पे अगर कोई ग्रह होगा, भले अंक कोई भी हो वह पीड़ादायक होगा, नौ दस ग्यारह बारह, यानी कि चंद्रमा के ठीक पीछे कोई ग्रह होगा तो वह पीड़ादायक होगा, प्रथम दृष्टया यह पूर्ण फलदायी माना जाता है। इसके बाद जो इन स्थानों के स्वामी होंगे, अगर वह खराब स्थिति में होंगे तो वो भी पीड़ादायक होंगे और अच्छी स्थिति में भी होंगे तो वह फलदायक बहुत कम रहेंगे। अब जैसे यहां चौथे यानी कि सिंह राशि, जैसे अगर मान के चलिए किसी की वृषभ राशि है तो पांचवें नंबर की राशि हो गई सिंह राशि, यहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसको तो शक्ति मिल जाएगी, यानी कि पावर यहां आ जाएगी। ग्रह बैठा है तब भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो इस भाव के स्वामी का रहेगा ही। ऐसे ही अष्टम, आठवें स्थान में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आठवें भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं पीड़ादायक माना जाएगा, खराब स्थिति में होगा, अत्यंत खराब स्थिति तो बहुत पीड़ादायक, नहीं तो पीड़ादायक रहेगा। अगर सही स्थिति में है तो भी वह शुभ फलदायक, वह अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से बुध द्वादश बारहवें स्थान का स्वामी, कोई ग्रह नहीं है तो यह खराब फल माना जाएगा, खराब फलदायी माना जाएगा, और अच्छी स्थिति में होगा तो कोई शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा। यदि यहां पर कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा।
तो यह ज्योतिष का एक सूत्र था। बहुत से लोग जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जो बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनके लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अपनी जन्म पत्रिका खोल सकते हैं, जिनके पास बनी हुई है तो वहां पर कुछ चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को एक मानते हुए उससे आगे को, जैसे यहाँ पर कुछ चंद्रमा, मान को यहाँ पर भी चंद्रमा है, जैसे मान के चलिए किसी का भी कोई भी अंक है, किसी की कुंभ राशि हो सकती है, तो यहाँ पर से एक दो तीन चार, तो यहाँ पर कोई जो ग्रह होगा 11 12 1 2, यहाँ पर भी दो का ही अंक आएगा, नहीं 11 12 1 2, तो यहाँ पर कोई जो ग्रह होगा बस सीधे गिन लेना है हमने कि चंद्रमा से आगे को चार चौथे चौथा स्थान में कौन सा ग्रह है, 8वें स्थान में कौन सा ग्रह है, 12वें स्थान में कौन सा ग्रह है। सामान्यतः वह कष्टदायी माने जाते हैं, पीड़ादायक माने जाते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ न कुछ आराधना उपाय आदि कर लेने चाहिए। यदि उनकी स्थिति ऐसी है कि वह रत्न धारण योग्य है तो अवश्य ही उनका रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पीड़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर रत्न की स्थिति है, ये ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप ज्ञानशील हैं ज्योतिष के मामले में तो खुद ही आप इसका आकलन कर सकते हैं, नहीं तो किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाकर आप उनका रत्न आदि धारण कर सकते हैं। रत्न धारण के योग्य नहीं हो भाई, अब ऐसा होता है कि हर ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर को उनके से संबंधित उपवास आराधनाएं, कोई मंत्र जाप या कोई यंत्र धारण, कोई उपाय आदि रहते हैं तो उन्हें किया जा सकता है। तो यह एक बहुत सरल सी सामान्य सी जानकारी है। जो लोग ज्योतिष में, चलो जो ज्योतिषी का पता नहीं है भाई, दिखाने के इच्छुक नहीं है, तो स्वयं देख के भी यह आकलन कर सकते हैं कि किस कारण से कौन से ग्रह पीड़ादायक है। हाँ, और दूसरी बड़ी बात, यदि गोचर में वर्तमान, गोचर को वर्तमान मान के चलिए कहते हैं, तो मान के चलिए कि वर्तमान में कोई बड़ी भीषण विपदा आई है, कोई कष्ट आया हुआ है, तो उस समय पे यही ग्रह यदि खराब स्थानों पर होंगे तो अवश्य ही, जब ये ग्रह खराब स्थानों पर जाएंगे तो उसी समय पे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है। गोचर में जब ये घूमते हैं गोचर में, तो खराब स्थानों में जाएंगे, और यही जो चौथे 8वें 12वें और भी फार्मूले हैं, जैसे हम त्रिक कहते हैं 6 8 12 इनके स्वामी, लेकिन ये फार्मूला भी पूरा पूर्ण फलदायी है। तो इनके स्वामी जब आते हैं गोचर में खराब स्थिति में, तो व्यक्ति को कष्ट अवश्य ही पहुंचाते हैं। तो इनसे संबंधित उपाय आदि हमें समय समय पर करते रहने चाहिए, और भीषण कष्ट आदि परेशानी आती है तो किस समय पे ज्योतिषी को दिखाकर हमें जरूर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और संभवतः पूर्णतया यही ग्रह पीड़ादायक रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी, ज्योतिष शास्त्र में हमें जानकारी उपलब्ध हुई। फार्मूले कई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा अप्रत्यक्ष फार्मूला है, तो ये हमने आप लोगों तक पहुंचाने उचित समझा। तो हमने कहा बहुत से जिज्ञासु लोग रहते हैं ज्योतिष के, बहुत से लोग एपिसोड देखते हैं कुंडली विश्लेषण से आदि, तो उनको ये जानकारी अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।